अब हम क्लास टेंथ मैथ्स के सेकेंड एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन करेंगे और सारे उदाहरण सारे क्वेश्चन करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात किए थे, कैसे उसको याद रखना है, कैसे उसको अप्लाई करना है, ये सारी बातों पर हमने डिस्कशन किया था। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था मैंने कि किस प्रकार से जो बड़ा सा टेबल है उसको याद किया जाता है। ट्रिक से याद करेंगे तो हमेशा लाइफ टाइम आपको याद रहेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जब भी हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करते समय में आपको, जैसे मान लिया जाए साइन 30 अंश का मान की जरूरत है, तो आपको उस टेबल को नहीं देखना है, बिना टेबल को देखिए, मतलब पहले टेबल को अच्छे से याद रख लेना है जो ट्रिक बताई मैंने उस ट्रिक के अनुसार, और फिर उसके बाद में उसको अप्लाई करना है। कोई भी क्वेश्चन करते समय उस टेबल को नहीं देखेगा, ये स्ट्रिक्टली अगर आप फॉलो करेंगे तो ही वो टेबल आपको याद हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपको रेंडम कोई भी, जैसे मान लिया है 10-30 अंश, 10-60 अंश, 10-45 अंश, इसके मान तब तक याद नहीं होंगे जब तक आपने पहले याद कर लिया और फिर उसको याद सोच सोच के आपने उसको अप्लाई किया, तो फिर फटाफट फटाफट स्पीड से भी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 6 की ओर। उदाहरण नंबर 6 क्या बोला है ये देख लेते हैं हम। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी है हमारे पास में और जिसका कोण बी कैसा है, समकोण है। देखिए ये दिया हुआ है समकोण, यानी कि 90 अंश का कोण है। एबी बराबर से 5 सेंटीमीटर, एबी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर इस भुजा की लंबाई, और कोण ए सी बी ये वाला कोण कितना है 30 अंश का है। देखिए आकृति, आकृति में पहले से ही आपको दिया हुआ है, ये भुजाओं बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये तो कुछ नहीं है, भुजाओं बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात करना है आपको। ये इसकी लंबाई क्या होगी ये बताना है और इसकी लंबाई क्या होगी ये बताना है। आप, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, और इस बात को आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये टेक्निक आपको हर जगह काम आएगी, हर प्रश्न में काम आएगी, और खास करके अगला जो अध्याय आने वाला है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, वहां पर तो इसके बिना काम ही नहीं होगा। कहने का मतलब, जब भी आपको समकोण त्रिभुज दिया है तो ये तो कोण 90 अंश का हो गया, अगर ये कोण पता चल जाए तो ये वाला भी कोण पता चल जाएगा आपको, क्योंकि दोनों का योगफल 90 अंश होता है। अब आपके पास में कितनी चीजें ऐसी है कि जो नहीं मालूम, कहने का मतलब ये कोण नहीं मालूम, ये भुजा भी नहीं मालूम, ये भी भुजा नहीं मालूम और ये भुजा नहीं मालूम, मतलब 3 भुजा और 1 कोण, यानी कि कुल मिला के 4 चीजें आपको नहीं मालूम है ना। इसमें अगर इन चारों में से कोई भी 2 मान अगर दे दिए जाए आपको, तो आप तीसरा मान ज्ञात कर सकते हैं, चौथा भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये टेक्निक याद रखना, कोई भी 2 मान, ये 4 में से, ये 3 भुजाओं की लंबाई और एक न्यून कोण, ये 4 में से 2 मान दिए जाए, तो 2 मान तो दिए हैं ना आपको, एक भुजा भी दिया और एक कोण भी दिया है, तो बाकी के आप ये मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले मैं ये वाली भुजा दी हुई है और ये भुजा ज्ञात करना चाह रहा हूं, और कोण कितना है 30 अंश का है। देखना, मुझे एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए जिसमें लंब और कर्ण की बात की जाती है। सूत्र तो याद है आपको, पहली शुरू में बता दिए थे मैंने। आप मुझे ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए जिसका सूत्र होता लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब, तो आप बोलेंगे कि साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण और कोसेक थीटा का होता है कर्ण बटे लंब, तो दोनों में से कोई भी सूत्र लगा लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि ये दिया है ये ज्ञात करना है। तो हम यहां पर बोलेंगे कि यहां क्या होता है साइन थीटा बराबर इसे क्या होता है लंब बटे कर्ण, ए बी बटे ए सी। साइन थीटा का मान कितना है 30 अंश है, मतलब जो कोण है ना ये न्यून कोण है ना, उसी को थीटा बोला जाता है, कोण की माप को। ए बी का मान है 5 सेंटीमीटर और ए सी का मान नहीं मालूम। अब आपको टेबल की आवश्यकता पड़ी, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो आप टेबल को पलटाओगे, यही गलती नहीं करना है, टेबल को नहीं पलटा के देखना है,
आपको पहले टेबल को अच्छे से याद कर लेना है, आप संतुष्ट हो जाओ कि हाँ मुझे अब टेबल पूरे तरीके से याद है, अब मैं क्वेश्चन करने के लिए तैयार हूँ, उसके बाद ही क्वेश्चन करना है। और जब भी आपको ऐसी जरूरत पड़े तो आपको खुद को मेमोराइज करना है कि यार इसका मान कितना होता, तो 1/2 और 5/AC, मान किसका ज्ञात करना है, AC का, तो AC को ले जाओ ऊपर, क्योंकि AC का मान ज्ञात करना है ना, तो AC बराबर इसे, ये इसका तिरछा गुना 1 से होगा और 2 का गुना इससे होगा, तो 2 × 5, तो ये हो जाएगा AC = 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर कहाँ से आ गया, तो प्रश्न में जो एक इकाई दी हुई है ये सेंटीमीटर में दिया, तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। अब पुनः एक काम तो हो चुका है हमारा, दूसरा काम करते, एक काम तो हो गया हमारा, ये वाली भुजा पता चल गई, अब पुनः लिखने का भी तरीका ऐसा ही होना चाहिए। दूसरा मतलब हमने क्या किया, इस भुजा का मान तो पता कर लिया, ये भुजा पता चल गई, अब मुझे ये वाली भुजा मालूम है और ये भुजा ज्ञात करना है, या तो आप ऐसा बोल सकते हैं, ये तो पता चल गई ना, ये भुजा मालूम है और ये भुजा ज्ञात करना है, कौन सा सूत्र ऐसा है कि जिसमें ये और ये भुजा एक साथ आती है, तो टेन थीटा, टेन में लंब बटे आधार, मतलब ये दोनों भुजाओं की बात की जाती है, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, टेन का, कॉट का भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें इसकी जरूरत पड़ती है, आधार बटे लंब, आप कास का भी लगा सकते हैं क्योंकि ये भी भुजा मालूम है आपको, तो मैं लगा देता हूँ टेन थीटा, और टेन थीटा इजिक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, ए बी बटे आधार कौन है, BC, तो टेन थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, और AB का मान कितना है 5, और BC का मान कितना है नहीं मालूम, BC का मान नहीं मालूम, चलिए ठीक है, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1/3 होता है, कितना होता है 1/3, और 5/BC, और BC जाएगा तिरेक गुना होके इधर, तो ये आएगा BC = 5/3, और एक आय में आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो आपको BC का भी मान ज्ञात हो गया। बड़ा आसान काम है ना, आसान तब है जब आप सूत्र सही लगाओगे, अगर मान लिया ये भुजा दी है और ये भुजा ज्ञात करना है और आपने लगा दिया और कोई सूत्र, कास थीटा का लगा दिया, कास थीटा में क्या होगा, ये डिवाइडेड बाई ये, तो न तो ये मालूम है आपको न तो ये मालूम है, तो फिर आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो सूत्र सही लगाना आपको कि एक मान दिया है और एक ज्ञात करना है, वो वाला कौन सा सूत्र है, ऐसा लगाएंगे तो बड़े आसानी से बनने वाला है। चलिए उदाहरण नंबर 7, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, चलो ठीक है ये तो दिया ही है आपको, ये जो Q कोण दिया है वो समकोण है, देखी आकृति में, आकृति देख भी ली हमने, PQ = 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PR = 6 सेंटीमीटर ये भी दिया है, कोण QPR ये वाला कोण और PRQ ये वाला कोण, ये दोनों कोण ज्ञात करना है, ये वाला भी कोण ज्ञात करना है और ये वाला भी कोण ज्ञात करना है, आई बात समझ में। अच्छा ये कोण पता चल जाएगा तो ये तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ना, क्योंकि दोनों का योगफल कितना है 90 अंश है, तो कोई भी एक पता कर लो। चलो मैं पहले इसको पता करता हूं, आपको मालूम होना चाहिए कि जो जिस कोण की बात की जाती है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और ये हो जाएगी आधार, और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ये बात तो हमने शुरू में पहले वीडियो में ही समझ लिया था ये बातें अच्छे से, और फर्स्ट एक्सरसाइज में इसके खूब क्वेश्चन भी किए थे हमने, है ना। चलिए ठीक है, अब मुझे ये कोण ज्ञात करना है, दो भुजा दी है और ये भी भुजा नहीं मालूम आपको, हालांकि भुजा का मान हमसे नहीं पूछा है लेकिन जरूरत भी नहीं है, ये कोण ज्ञात करना है तो दो भुजा ऐसी देखना पड़ेगा जिसके मान आपको दिए हुए है, तो इस भुजा का भी मान दिया हुआ और इस भुजा का भी मान दिया हुआ है, तो कौन सा सूत्र लगाऊंगे बताओ, इस भुजा का, इसका मान नहीं ज्ञात करना है ना, ये भी दिया है और ये भी दिया है, तो ये दोनों कौन से सूत्र में आता है, तो आप बोलेंगे साइन थीटा के सूत्र में आता है, बिल्कुल सही बात है, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर से क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है हमारे पास में, थीटा, इसको मैं थीटा मान लेता हूं, है
इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, तो साइन थीटा बराबर से क्या हो जाएगा, लंब बटे पी क्यू बटे पी आर, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान तो मालूम ही नहीं है हमें, पी आर का मान मालूम है 3 और इसका मान है 6, तो साइन थीटा बराबर इसे 3 का 3 और 3 दूनी 6 यानी कि 1/2 आ गया। आया कि नहीं आया, आसान है कि नहीं काम। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मान कैसे ज्ञात होगा, तो इसका मान ज्ञात होगा साइन थीटा बराबर इसे, राइट हैंड साइड में 1/2 है, इसका मतलब इधर साइन है इधर 1/2 है, तो 1/2 साइन में किसका मान होता है ये बता दीजिए आप। तो साइन, फिर टेबल की जरूरत पड़ी, साइन 30 डिग्री का, मतलब बिना टेबल के तो ये एक्सरसाइज बनेगी नहीं, पूरा टेबल याद होना चाहिए, साइन 30 अंश का मान, 0 अंश का मान, सारा पूरा कंप्लीट। तो आप दोनों की अगर तुलना करेंगे तो थीटा का मान आ गया आपके पास में 30 अंश, और थीटा का मतलब क्या है, कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू बराबर से 30 अंश। अब यही काम फिर से कर सकते हैं आप, इसके लिए हल करेंगे तो इस भुजा के लिए ज्ञात कर लेंगे तो इस कोण का भी मान आपको पता चल जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि ये पता चल गया तो ये पता ऑटोमेटिक चलेगा। अब कोण क्यू पी आर धन कोण पी आर क्यू बराबर से कितना होता है, 90 अंश होता ही नहीं होता, अरे समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश, ये वाला 90 हो गया, तो ये और ये दोनों का योगफल कितना होगा, 90 अंश ही होगा। हाँ बिल्कुल सही है, पी आर क्यू का मान निकल गया, तो क्यू पी आर प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 माइनस 30 डिग्री, और ये हो जाएगा एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यही तो आपसे पूछा गया था, आई बात समझ में, तो ये बात आपसे यहाँ पर पूछी गई थी, और एक तो ये वाला भी मान यहाँ पर हमें पता चल गया। तो कितना आसान काम है, बस प्रॉपर तरीका मालूम रहेगा ना आपको, तो बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, और अगला उदाहरण क्या दिया हुआ है, साइन ए माइनस बी बराबर से 1/2। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, ध्यान से समझना इसको, और ऐसा प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जाता है। दिया है क्या, दिया है साइन ए प्लस बी बराबर से कितना है, 1/2, और कास ए धन बी बराबर से कितना दिया है, 1/2, और साथ ही साथ में क्या दिया है, ए प्लस बी का मान जो है ना, ए प्लस बी का मान 90 या 90 अंश से कम और 0 अंश से ज्यादा है, और ए का मान जो है ना वो बी से बड़ा है, ये दोनों शर्त भी आपको दी हुई है। अब क्या किया जाए, इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए, हैं? तो ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी जाता है, और ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा, सारे जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आपको मिलने वाले, तो उदाहरण को अच्छे से समझ लो ताकि एक्सरसाइज के आपसे सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाए, ठीक है। चलिए, इसकी टेक्निक ये बोलती है कि इधर साइन है ना, तो इधर भी साइन ही लाना है आपको, साइन ए प्लस बी है यहाँ पर, तो जाएगा ए माइनस बी बराबर से कितना है, 1/2। मुझे एक बात बताइए कि साइन में 1/2 किसका मान होता है, टेबल में साइन में 1/2 किसका मान, कौन से अंश का मान होता है, तो ये 30 अंश का मान होता है, मतलब 1/2 को मैं साइन 30 अंश लिख सकता हूँ क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि होता ही है मान, और यहाँ पर है कास ए प्लस बी, कास ए प्लस बी बराबर से कास, जब इधर कास है तो इधर भी कास होना चाहिए, और 1/2 किसका मान होता है कास में, तो आप बोलेंगे कि 60 अंश का मान होता है, टेबल अगर आपको याद है तो फटाफट बता दोगे। अब देखिए दोनों की अगर तुलना करते हैं तो ए ऋण बी बराबर इसे कितना हो जाएगा, 30 अंश, और इसको दे देता हूं मैं समीकरण एक, तथा ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 अंश, और इसको दे देता हूं मैं समीकरण दो। समझ में आ गई बात,
अब ऐसे हमारे पास भाई तुलना कर दी ना, इधर भी साइन है इधर भी साइन है, तो ए माइनस बी इजिकल टू 30 अंश हो जाएगा, ए प्लस बी उधर भी कास है और उधर भी कास है, तो तुलना कर सकते हैं आप। अब देखिए मतलब साइन साइन हटा दिया, इधर कास कास हटा दिया, एक जैसी है इसलिए हटा दिया। अब हमारे पास में ये रैखिक समीकरण की तरह मिल गया, मतलब अगर आपने रैखिक समीकरण को हल किया, एक्स के जगह ये है और वाई के जगह बी है, रैखिक समीकरण वाला अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपने उसमें एक विलोपन विधि पढ़ी होगी। समीकरण विलोपन विधि से ज्यादा आसानी से बन सकते हैं कि समीकरण एक धन समीकरण दो से। समीकरण एक क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। विलोपन विधि का उपयोग कब ज्यादा अच्छा उपयुक्त तो होगा, जब यहां पर बी का गुणांक और बी का गुणांक एक जैसा है, चिन्ह अपोजिट हो सकते हैं, तो विलोपन विधि से जल्दी बन जाता है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ए और ए कितना हो जाएगा धन ए और धन ए दो ए, बराबर से 60 और 30 कितना हो गया 90, तो ए का मान कितना हो जाएगा 90 बटे 2, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ए बराबर से, ए बराबर से 90 को 2 से अगर विभाजित किया जाए तो 45 अंश हो जाएगा। अब ए का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, चाहो तो एक में रख दो चाहो तो दो में रख दो, तो ए बराबर से 45 अंश समीकरण मैं दो में रख देता हूं, आप एक में भी रख सकते हैं। दो में रखने पर देखिए है बड़े आसान, बस जरूरत किसकी है आपको प्रैक्टिस करने की, प्रैक्टिस जितनी करेंगे, और मेरा जो बेसिक वाला वीडियो होता है उसको जरा गौर से देखेंगे, एक बार समझ में नहीं आया दूसरी बार देखेंगे, ऐसा तो होता नहीं है कि एक बार में समझ में ना आए, ठीक है दूसरी बार देखिए आप उसको, लेकिन बेसिक को अच्छे से करो, उसको नोट करते जाओ और जो भी सूत्र आते उसको याद करते रहो, और ये तो कैलकुलेशन है, बड़ा आसान सा काम है। चलो जहां पर ए है वहां पर क्या रखना है आपको, 45 रखना है, तो देखिए 45 धन बी बराबर से कितना हो गया 60 अंश है ना, तो 45 जाएगा उधर। आपको मालूम है ना कि जब भी बाएं से दाएं ओर कोई राशि जाती है तो इसका चिन्ह बदल जाता है, तो 60 ऋण 45, भाई इधर धनात्मक है इधर ऋणात्मक है तो ऐसा हो जाएगा, तो बी बराबर से क्या हो जाएगा 60 में से 45 को घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, 15 अंश, तो आ गया ना ए और बी का मान। आपसे क्या बोला है, मान जो है वो 0 अंश से बड़ा होना चाहिए, 90 या उससे कम होना चाहिए, तो दोनों को जोड़ के देखो आप, 45 और 15 कितना हो गया 60, तो है बराबर। अच्छा ए का मान बड़ा होना चाहिए बी से, तो वो भी है, अतः अतः कोण ए बराबरी से 45 अंश और कोण बी बराबरी से 15 अंश होगा, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको हाईलाइट कर दो, नोट कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है।